आज हम लोग देखेंगे टैली में परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के साथ साथ देखेंगे रिसीप्ट डॉट वाउचर, रिजेक्शन आउट, परचेज वाउचर, डेबिट डॉट वाउचर और लास्ट में देखेंगे पेमेंट वाउचर। सबसे पहले हम लोग चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, बॉट गुड्स फ्रॉम रविंद्र एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। रविंद्र एंड कंपनी से कुछ आइटम्स खरीद रहे हैं। आइटम मतलब बेसिकली प्रोडक्ट का नाम क्या है, फिलिप्स रेडियो। क्वांटिटी है इसका 630, 630 पीस हम लोग खरीदेंगे। एक यूनिट प्राइस का क्या दाम है, 1630। एक पीस का दाम है 1630 रुपए और 630 पीस खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, फिलिप्स रेडियो। किससे, रविंद्रन कंपनी से। किसमें, उधार में। तो बेसिकली रविंद्रन कंपनी से हम फिलिप्स रेडियो खरीद रहे हैं 630 पीस 1630 के रेट से उधार में खरीद रहे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग टैली एप्लीकेशन खोलेंगे और यहाँ पे जाके कंपनी एक बना लेंगे। तो कंपनी हम लोग बनाते हैं, क्रिएट एंड क्रिएट कंपनी में चले जाते हैं, अल्ट F1 प्रेस किए और फिर जाके क्रिएट कंपनी में चले गए। यहाँ नेम में हम लोग दे देते हैं, नेम में देते हैं मनोज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मनोज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो आप, हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं, आप लोग डाल सकते हो। और मैं स्टेट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं बस जस्ट कंट्रोल ए प्रेस कर दे रहा हूँ और शिफ्ट हो गया मेरा कंपनी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमको F11 प्रेस करना होगा। क्या करना होगा, F11। तो F11 करने के बाद हमको इन्वेंटरी फीचर्स में चले जाना होगा। यहाँ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस करना होगा, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी यस करना होगा, मेंटेन इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग यस करना होगा, फिर यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स यस करना होगा, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस कर देना होगा। उसके बाद हमको यूज ट्रैकिंग नंबर यस करना होगा, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसको भी यस कर देना होगा। उसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल ए प्रेस करके सेव करेंगे। हमारा ये सेटिंग्स जो है सेव हो चुका है। अब हम अकाउंट्स वाउचर में चले जाएंगे और अल्ट F4 प्रेस करेंगे परचेज ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे हम अल्ट F4 प्रेस कर दिए, तो देखिए वहां परचेज ऑर्डर खुल गया है। अब यहाँ पे हम जिससे किससे सामान खरीद रहे थे, रविंद्र एंड कंपनी से। देखिए क्वेश्चन में अब मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में है रविंद्र एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। रविंद्र एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से हम फिलिप्स रेडियो खरीद रहे, तो यहाँ पार्टी के नाम में देंगे रविंद्र एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रविंद्र एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये चूंकि इससे सामान हम उधार में खरीदेंगे इसलिए क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। और कंट्रोल ए प्रेस कर दिए तो हमारा पार्टी रेडी हो गया, इसको भी कंट्रोल ए प्रेस कर दिए। और यहाँ परचेज लेजर में रहेगा हमारा बेसिकली परचेज अकाउंट, अंडर में परचेज अकाउंट, ये हो गया। यहाँ पे हम आइटम बनाएंगे, कौन सा आइटम हम खरीद रहे हैं, फिलिप्स रेडियो खरीद रहे, तो फिलिप्स रेडियो अल्ट सी प्रेस कर करके हम लोग बना रहे हैं। तो अल्ट सी प्रेस किया और यहाँ पे फिलिप्स रेडियो नेम में लिख दिए, अंडर ये क्या है, रेडियो है, रेडियो लिख दिए। सूट क्वांटिटीज अब आइटम भी एडिट, ये एस रहेगा। उसके बाद ये कैटेगरी में हम लोग चले जाएंगे, कौन से कंपनी का रेडियो है, फिलिप्स का रेडियो है, फिलिप्स दे दिए। और इसको भी सेव कर दिए, यूनिट्स में क्या दिए, NOS, और फॉर्मल नेम में दे दिए नंबर्स, और इसको एस कर दिए, फिर कंट्रोल ए प्रेस कर दिए। फिर गोडाउन दे देते हैं, गोडाउन कहाँ हम रखना चाहते हैं सामान, मांडा गोडाउन में। मतलब अगर हम खरीदेंगे तो कहाँ लेके आएंगे सामान को, मांडा गोडाउन में लेके आएंगे। क्वांटिटी कितना देंगे, क्वांटिटी इसमें देख लेते हैं, कितना क्वांटिटी था, क्वांटिटी था 630। तो 630 पीस हम खरीद रहे हैं रविंद्र कंपनी से। एक पीस का क्या दाम है, एक पीस का दाम है 1630 रुपए। तो 1630 रुपए हम एक पीस का दाम दे दिए और यहाँ पे देखिए हमारा परचेज ऑर्डर रेडी हो चुका है। इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पे पेज अप में बटन प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से। अब आप यहाँ पे देख पाओगे परचेज ऑर्डर जो है हम लोग दे चुके हैं किसको, रविंद्र एंड कंपनी को। किस चीज का, फिलिप्स रेडियो का। कितना आइटम, 630 आइटम, कितना प्राइस, 1630 यूनिट प्राइस के रेट से। अब यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी देख ही सकते हो, तो उसके लिए आपको बेसिकली इन्वेंटरी इन्फो में चले जाना होगा। यहाँ रही बैलेंस शीट, प्रॉफिट, स्टॉक समरी, डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाना होगा, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे चले जाना होगा स्टॉक वाइज हम लोग देखेंगे। ये देखिए फिलिप्स रेडियो है, देखिए किससे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 630 आइटम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग।
किससे, रविंद्र एंड कंपनी को, मतलब रविंद्र एंड कंपनी को मैं ऑर्डर दे दिया हूं पर अभी तक मेरे पास सामान आया नहीं है, तो ये हो गया परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद फिर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। रिसिप्ट नोट वाउचर के लिए हमको बेसिकली अभी रिसिप्ट नोट वाउचर क्यों पास करेंगे, क्योंकि रविंद्र एंड कंपनी को जो सामान हम लोग ऑर्डर दिए थे रविंद्र एंड कंपनी वो अब भेज दिया है और वो हमारे दुकान में पहुंच चुका है, तो अब मैं उसको रिसीव कर रहा हूं, तो क्या क्या एंट्री पास करूंगा, रिसिप्ट नोट वाउचर, अल्ट एफ नाइन प्रेस करूंगा तो रिसिप्ट नोट वाउचर आ गया। अब मैं जो है रविंद्र एंड कंपनी से जो सामान वो मैं ऑर्डर दिया था वो मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो ये रिसिप्ट नोट वाउचर से मैं यही चीज साबित करना चाहता हूँ। और वन यहाँ ऑर्डर वन कर दिए, सेलेक्ट कर लिए, देखिए जैसे ही आप ऑर्डर वन सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक जो भी आइटम हम लोग दिए थे उसको ऑर्डर, वो सारे आइटम्स ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल ए प्रेस कर देना, तो रिसिप्ट नोट वाउचर भी हमारा पास हो गया। उसके बाद क्या है, रिजेक्शन आउट। अब सोचो कि 630 आइटम वो भेजा था रविंद्र कंपनी और हम देखे कि जब वो सामान उतर रहा था गाड़ी से तो मैं देखा कि तीन डब्बे जो हैं, तीन जो फिलिप्स रेडियो के डब्बे हैं वो फूटे हुए, तो अब वो फूटा हुआ सामान तो कोई वापस लेगा नहीं, मतलब सॉरी वापस नहीं, मतलब कोई किसी को हम तो बेच नहीं पाएंगे, कोई कस्टमर आपसे खरीदेगा नहीं, तो उसको हमको क्या करना है बेसिकली रविंद्र कंपनी को वो तीन पीस डब्बा उसको लौटा देना। तो लौटाएंगे कैसे, रिजेक्शन आउट पास करके, क्या करेंगे रिजेक्शन आउट, अल्ट प्लस F6 प्रेस किए और यहाँ पे किससे हम लिए थे, रविंद्र कंपनी से, उसका नाम ले लिए और यहाँ पे कौन सा आइटम था, फिलिप्स रेडियो था, ऑर्डर नंबर एक सेलेक्ट किए, कितना पीस खराब था मेरा, तीन पीस खराब था, 630 ऑर्डर दिए थे, 630 तो भेज भी दिया था पर तीन पीस खराब निकल गया, तो यहाँ तीन जो है यहाँ पे हम लोग एंट्री कर दिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दिए। अब आप यहाँ पे जाके देखोगे स्टॉक समरी में तो आपको दिखेगा कि 630 में से तीन माइनस हुआ रहेगा, 627 आइटम इस समय हमारे पास स्टॉक में है। स्टॉक में कब आया, जब हम लोग रिसिप्ट नोट वाउचर पास किए तो ये जो आइटम था वो स्टॉक में आ गया था। अब जैसे ही हम तीन आइटम वापस कर दिए तो 630 में से तीन माइनस होके 627 आइटम यहाँ पे बचा हुआ है। अब तीन आइटम हम लोग अब वापस कर चुके हैं, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे और अब हम परचेज वाउचर, बेसिकली देखो रविंद्र कंपनी मेरे को अब बिल भेज रहा कि ठीक है तीन आइटम खराब तो कोई बात नहीं है, तीन आइटम आपने वापस कर दिया, लेकिन 627 आइटम का अब जो है वो बिल मैं भेज रहा हूं, मतलब वो बेसिकली पैसे का डिमांड कर रहा, बिल भेजने का मतलब यही होता, तो मैं बिल उसका रिसीव कर रहा हूं। तो अब उसके लिए हमको क्या शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा, F9, सिंपल कीबोर्ड से F9 आप प्रेस करोगे तो परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे पार्टी का नाम ले लोगे रविंद्र एंड कंपनी, यहाँ ऑर्डर नंबर जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ ऑर्डर नंबर जैसे सिलेक्ट करते ही आ जाएगा 627 आइटम, और यहाँ पे क्या करना है बेसिकली कंट्रोल ए बस प्रेस कर देना है तो वहां परचेज वाउचर पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेबिट नोट वाउचर। तो डेबिट नोट वाउचर में क्या होता है, अगर हम जब तक हम परचेज वाउचर नहीं पास किए होते तब तक अगर हमें सामान लौटाना है तो हम रिजेक्शन आउट से सामान लौटा सकते हैं, पर एक बार हमने अगर परचेज वाउचर पास कर दिया और उसके बाद सामान लौटाना है तो हमको किससे लौटाना पड़ेगा, डेबिट नोट वाउचर से। तो अब सामान क्यों लौटा रहे हैं, देखो सामान 627 में रिसीव कर लिया था, 627 का बिल भी मैं एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं जब कस्टमर को सेल करना चालू किया तो मैं देखा कि मेरा दो ठो रेडियो चल नहीं रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो उस आइटम को, खराब आइटम को, डिफेक्टिव आइटम को हम लोग लेके क्या करेंगे, तो हम वो दो आइटम भी वापस उसको कर देंगे, तो उसके लिए वापस करने के लिए कौन सा वाउचर पास करना होगा, डेबिट नोट वाउचर। क्यों पास करना पड़ा, क्योंकि हम लोग परचेज वाउचर पास कर चुके हैं, इसलिए जब तक परचेज वाउचर नहीं पास था तब तक हम रिजेक्शन आउट से सामान लौटा दिया करते थे, चूंकि परचेज वाउचर पास हो चुका है तो अब हम लोगों को सामान अगर लौटाना है तो किस वाउचर से लौटाना होगा, डेबिट नोट वाउचर से। तो डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9, और यहाँ पे जाएंगे पार्टी का नाम ले लेंगे रविंद्र कंपनी, यहाँ पे गए, यहाँ पे ऑर्डर नंबर वन सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे अब आ जाएगा, यहाँ तीन दे रहा है चूंकि हमारा दो खराब है तो हम दो लिख के यहाँ पे और कंट्रोल F क्या है, कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं या इंटर प्रेस कर सकते हैं, और कंट्रोल ए में पास कर दिया, अब ये डेबिट नोट पास भी हो गया है। अब हम चलो देखते हैं
27 में से दो और घट गया, अब क्या मेरे पास 625 आइटम है क्या? अगर 625 स्टॉक समरी में दिखाता है तो हमारा एंट्री सही है। तो 625 आइटम यहाँ पे आप देख पाओगे कि शो कर रहा, तो इसका मतलब सक्सेसफुली हम लोग डेबिट नोट वाउचर की हेल्प से दो आइटम और वापस कर दिए किसको, रविंद्रन कंपनी को। अब 625 आइटम हमारे पास बचा और 625 हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई 625 आइटम जो है मेरे पास है वो सही सही है और मैं उसको बेच रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली 625 आइटम जो है उसका मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा किसको, रविंद्रन कंपनी को। तीन ठो एक बार लौटाए थे, दो ठो बाद में लौटाए, पांच आइटम लौटा दिए 630 में से, 630 में से पांच माइनस कर दो तो 625 बचता है। 625 आइटम का हमको अब पैसा उसको देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कौन सा बटन, F5 प्रेस किए और यहाँ DR में, DR मतलब डेबिट में दे देंगे रविंद्रन कंपनी को। यहाँ पे उसका बैलेंस कितना है, इतना है 1018750, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख 10,18,750 रुपए उसको हमको बेसिकली पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग दे दिए 10,18,750 और अगेंस्ट रेफरेंस एक ले लिया ऑर्डर नंबर, हाँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग, आप बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो, कैसे तो कैसे जनरली इतना बड़ा अमाउंट पेमेंट नहीं होता, तो आप Alt+C प्रेस करोगे और जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो उस बैंक का यहाँ पे नाम लिख दूंगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कौन सा रहेगा ये बैंक अकाउंट, हम अपने SBI के अकाउंट से जो है बेसिकली पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दे, यहाँ पैसा दे दिए। अब चूंकि ये रेड में दिखा रहा है, चूंकि हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रुपया नहीं था इसलिए इसमें ये रेड में दिखा रहा है, इससे कोई वो नहीं है। जब भी आप इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करोगे तो उतना ये माइनस हो जाया करेगा। तो अब हम कंट्रोल ए प्रेस कर दिए। अब चलिए देखते हैं कि रविंद्रन कंपनी को और भी पैसा कुछ बाकी है क्या। अब आप यहाँ पे देख पाओगे 0-0 बैलेंस, मतलब जितना हम सामान लिए थे उतने का हम पेमेंट रविंद्रन कंपनी को कर चुके हैं। तो हम लोग आज बेसिकली परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट वाउचर, रिजेक्शन आउट और परचेज वाउचर और डेबिट नोट वाउचर, लास्ट में हमने पेमेंट वाउचर देखा।